दोस्तों, यदि आपके भी मन में है कितना फ्लोर तक हम लोग घर बांध सकते हैं, तो आपके लिए एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। ये डिस्टेंस देख सकते हैं कैसा बनाया गया, तो लगभग 9x18 इंच का कॉलम है, 18 फीट बाई 15 फीट का ये डिस्टेंस है। तो इस तरह से आप 4, 5, 6 मंजिल तक बना सकते हैं। यहाँ पे एक लाइव एग्जांपल। बट एक रिक्वेस्ट है, अगर आप यूज़ कर रहे हैं दीवार तो एसी ब्लॉक्स का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। 9x15 इंच कॉलम। तो बहुत सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता, हम लोग कितना मंजिल तक बना सकते हैं इस टाइप का कॉलम हो या फिर बीम यूज़ कर रहे हैं, तो 3-4 मंजिल के लिए कितना साइज़ का कॉलम यूज़ करना, स्पैन कितना रहना, ये सब डिटेल आपको बताता हूँ। देखिएगा, ये वाला जो स्पैन देख रहे हैं, ये एंड से ये एंड तक, यहाँ से लगभग 17-18 फीट की दूरी पर है, और ऐसा बात करें तो 15 फीट की दूरी पर। सो 18x15 फीट यहाँ पर डिस्टेंस दिया गया। बीम की साइज़ जो है सब बॉटम की तरफ 9 इंच है, डेप्थ जो है हाइट, मतलब वो जो डेप्थ आप देख रहे हैं ना वो 1 फीट का है, छत का जो थिकनेस है 5 इंच, एंड ये है 9x18 इंच का कॉलम, जिसके अंदर रॉड का भी डिटेल्स मैं बताऊँगा फर्स्ट फ्लोर पर जाके। ये लिफ्ट के लिए प्रोविज़न दिया गया, लिफ्ट के लिए देखिएगा यहाँ पर एक कॉलम है, और फिर उसके ये जो गड्ढा छोड़े गए, देखो 5-6 मेंबर कैपेसिटी का ये लिफ्ट है। नीचे क्यों दिया जाता है बोलते तो इसके अंदर ना स्प्रिंग डालते हैं, स्प्रिंग सो दैट एक बार झड़क से गिर गया समझो, स्प्रिंग की मदद से ना ऐसा एकदम शॉक एब्जॉर्वर स्प्रिंग रहते हैं ये वाले, इसलिए गड्ढा छोड़ा जाता है। आज ही मेरे को पता चला, इससे पहले मेरे को भी मालूम, आज नहीं एक मेला में गया था, बिल्डिंग मेला में, वहाँ पर उन्होंने बताए थे, इसलिए वो गड्ढा छोड़ा जाता है। ये डेप्थ कितना रहना बोले तो वही 5-6 फीट डेप्थ बस इनफ है बोले थे उन लोग। अब सीढ़ी की बात करते हैं, अगर आप मल्टी स्टोरी बना रहे हो तो मिनिमम 3.5 फुट का एक एक लेंथ में टप्पा रहना चाहिए, तभी आपको कन्वीनियंट रहता। 3.5 से 4 फीट, ये 3.5 फीट का है फिलहाल। और जहाँ पे भी हैचिंग किया गया इस तरह से हैचेस ज़रूर करवा लीजिएगा, एक मशीन आता है, मशीन की मदद से आप लोग करना दोस्तों। फर्स्ट फ्लोर, और इसके बाद हम पूरा टेरेस के ऊपर जाते हैं, टेरेस पर देखते हैं किस तरह से रॉड का जॉगलिंग हो या फिर स्टार्टर नेक्स्ट कैसे किया उनके। सो हनीकॉम्बिंग इस तरह से क्यों आते बोले तो एक तो टोचन सही से नहीं करते, या फिर दूसरा चीज़ पानी निकल जाता, देखो सीमेंट का स्लरी है, तब ऐसा हो जाता। और फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू करते हैं ना, ये स्टार्टर यहाँ पर यूज़ किया गया। मेरा सजेशन है दोस्तों, स्टार्टर यूज़ करो ना, को कहीं को बोलो, ये सबसे बेकार चीज़ है स्टार्टर। हम लोग डालते, देखो स्टार्टर ये कैसा होता है, ये छत को वो पकड़ नहीं लेता है, तो उसकी वजह से स्टार्टर आप लोग यूज़ नहीं करना। अब इसके ऊपर आप माल डालते, देखो माल डालने के बाद इसके ऊपर हम लोग सीमेंट लगा देते, वो जॉइंटिच नहीं होता, और ये छत को ये वाला चीज़ जॉइंट भी नहीं होता, इसलिए स्टार्टर सबसे घटिया चीज़ है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाँ, आपको एक अलग लगता स्टार्टर यूज़ करने से एक धार में आते, सही बात है, बट उससे अच्छा पेंट लगा लो यार, कहीं को बोले तो। अगर आपको कुछ सरकाना है, चेंजेस करना है, मूवमेंट करना है, थोड़ा ऊपर का फिलाए समझो, ये पूरा नीचे का टूट जाता है, तो एक ग्रिप ही नहीं रहता, अनामत आप रेडीमेड कॉलम रखिए जैसा हो जाता है। देखो स्टार्टर यूज़ मत करो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं। और यहाँ पर ऐसा लाइन डोरी का इस्तेमाल करो, ऐसे इधर रेड कलर का आप लोग देख रहे, देखो इस तरह का चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा। अब रॉड की बात करें तो 16 mm का 3 डाले, उधर 3 है, यहाँ पे 2 है, मतलब 8 रॉड इस्तेमाल किए गए, उससे बेटर वहाँ पे यूज़ करने के बदले ना ये बीच में यूज़ करना, वो थोड़ा और अच्छा रहता समझो, या फिर वो एक्स्ट्रा बार्स लोड के हिसाब से डिपेंड रहेगा,
प्रॉब्लम क्या होता अगर उन वहाँ पर यूज़ करे, समझो माल डालते वक्त ना अंदर माल नहीं जाता, उसकी वजह से वो लोग यहाँ पर यूज़ किए होंगे, बट इधर ज़्यादा डिस्टेंस है, वहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस आ रहा है, उसकी वजह से उधर यूज़ करना। ओके एंड यहाँ पर जॉगलिंग किया गया, ये अच्छी बात है, जितना हो सके उतना जॉगलिंग सेंटर में आने की जैसे कोशिश कर लीजिए, ओवरलैपिंग हो, जॉगलिंग सेंटर में आना और अल्टरनेट बार कटिंग रहना कभी भी, ये कुछ चीज़ों का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। ये था, इसी तरह से आप 4, 5, 6 मंजिल तक उठा सकते हैं। देखो दोस्तों, और स्टार्टर यूज़ मत करो यार, ये सबसे बेकार घटिया चीज़ है। ओके दैट्स इट, थैंक यू सो मच। रॉड्स का भी डिटेलिंग मैं बताया हूँ, सीडी में जो है 12 mm का रॉड यूज़ किया गया, कॉलम के अंदर इस तरह से, थैंक यू।